सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दिल एल एंड टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डीए बढ़ने का इंतजार कर्मचारियों को लंबे समय से था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि सरकारी एम्प्लॉयज और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ाने का फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 27,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। पहले सरकारी कर्मचारियों को 42% डीए दिया जाता था, जो अब बढ़कर के 46% हो गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। इस हिसाब से देखें तो अक्टूबर की सैलरी बढ़े हुए डीए के साथ आएगी। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बढ़े हुए डीए का पैसा यानी 3 महीने का एरियर भी अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी दिवाली में खुलकर शॉपिंग कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और करीबन 68 लाख पेंशन धारकों को फायदा पहुंचेगा। डीए और डीआर का हिसाब किताब समझेंगे, लेकिन उससे पहले डीए के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। डीएनएस अलाउंस छोटे में कहें तो इसे डीए कहते हैं, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। अगर आपकी कमाई महंगाई की तुलना में कम बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी कमाई घट रही है। इसे और खुलकर समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक की एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, आपको इस पर महंगाई दर से ज्यादा ब्याज या रिटर्न नहीं मिला, तो इसका मतलब हुआ कि आपके निवेश किए गए पैसे बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं। सरकार महंगाई के बोझ को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है। आमतौर पर सरकार इसमें साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में बदलाव करती है। हालांकि इस बार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा देर से की गई। डीए यानी डीयरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर यानी डीयरनेस रिलीफ पेंशनर्स को दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए निकालने के लिए ताजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं डीए के कैलकुलेशन पर। एम्प्लॉय की बेस सैलरी के हिसाब से डीए निकाला जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको डीए का हिसाब किताब समझाते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो मौजूदा 42% डीए के हिसाब से उन्हें हर महीने 7,560 रुपए अलग से डीए के नाम पर दिए जाते हैं। बढ़ी हुई डीए की दरों के बाद अब इस एम्प्लॉय को हर महीने 8,280 रुपए अलग से डीए के नाम पर मिलेंगे, यानी हर महीने 720 रुपए और साल भर में 8,640 रुपए का इजाफा होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम बेसिक सैलरी पर डीए में इजाफे की। मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है। मौजूदा 42% के हिसाब से इस शख्स को हर महीने डीए के नाम पर 23,898 रुपए मिलते हैं। नई दर यानी 46% के हिसाब से अब उसी शख्स को हर महीने 26,174 रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने 2,276 रुपए और साल भर में 27,312 रुपए की बढ़ोतरी। 25,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले शख्स को हर महीने डीए में 1,000 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह से 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी है तो उसे हर महीने 2,000 रुपए और अगर 1,00,000 रुपए की बेसिक सैलरी है तो उसे हर महीने 4,000 रुपए का फायदा मिलेगा। कैबिनेट सचिव लेवल के एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए के आसपास होती है। इस तरह नए डीए की दर के हिसाब से उन्हें हर महीने 10,000 रुपए बढ़ करके मिलेंगे। फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी मार्च 2023 में हुई थी, उस समय भी डीए में 4% का ही इजाफा किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो शेयर बाजारों से जुड़ी है। इसराइल हमास के बीच लड़ाई का असर शेयर बाजारों पर दिखना जारी है। 18 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 551 अंक फिसलकर 65,877 के स्तर पर आ गया।
कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 66,475 की ऊंचाई छुई थी और सबसे निचला स्तर बनाया था 65,842 के आसपास का। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक टूट करके 19,671 के लेवल पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 19,841 का हाई लेवल टच किया था और निचले स्तर में देखें तो निफ्टी ने 19,660 का स्तर छुआ था। ग्लोबल शेयर बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत, मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों पर बढ़ता दबाव देख करके निवेशक बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। इसके चलते निवेशकों के आज शेयर बाजार में करीबन 2.39 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में केवल 4 शेयर ही फायदे में रहे। इसमें टाटा मोटर्स, सन फार्मा, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आज के सेंसेक्स के यही शेयर टॉप गेनर्स रहे, यानी इनके शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक सेंसेक्स के टॉप लूजर्स यानी सबसे अधिक घाटे वाले शेयर रहे। सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंस के शेयरों को हुआ। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।